अस्सलाम वालेकुम। ये मैं आयशा जैनब का कट करके दे रही हूँ, आप देखिए। ये मैंने ये ओरेब है कपड़ा, अब इसको मैंने सीधा किया है। अब मैंने ये इतना सा ये ऊपर वाला टॉप पीस लेने लगी हूँ। ये देखिए 8 इंच और 8 16 इंच, सही। ये 16 इंच मैंने ले लिया, 4.5 इंच शोल्डर, 4.5 इंच क्राउन लाइन, ये और ये आ गया चेस्ट, आ गई 6 इंच। मैं 6.5 इंच रखती हूँ क्योंकि थोड़ा लूज रखूँगी, 6.5 इंच ये, और यहाँ से भी 6.5 इंच खुला ही रखूँगी मैं, सीधा ले जाऊँगी ऐसे। और इसकी गिलाई कर ली हमने ऐसे करके, और ये 1/2 इंच मैंने ये डाउन कर लिया। अब ये आ गया, और इधर से हमने थोड़ा सा 1/2 इंच ना ये कट कर दिया। ये टॉप है, अब ये आपने याद रखना। ये अब मैं ऐसे रख रही हूँ, अब आप देख लें। ये जो है ये 10 इंच का, ये नहीं रखना, लंबाई ये नहीं, एडी फोल्ड होके एडा पेटी ऊपर भी हमें थोड़ी लंबी रखनी, थोड़ा अच्छा और बाजू बनी है। ये बाजू की कटिंग होने लगी है, ये 6.25 इंच चौड़ाई ले ली है फोल्ड में, और हमने ये लंबाई में 7.25 इंच है। और अभी मैं बाजू की कट शेप देने लगी हूँ। ये 4.5 इंच वो क्राउन लाइन है ना, तो 4.5 इंच मैं ये इधर मार्क लगाऊंगी। ओके, थोड़ी सी चुन डालेंगे हम ऐसे करके, थोड़ी सी ऐसे थोड़ी सी चुन डलेगी, और ये आगे भी बटन, ये मैं दोनों बाजू कट किए मैं ये। अच्छा जुड़े, ये बाजू कट हो गया। अब हम इसके आगे जो है छोटी सी फ्रिल लगा देंगे, ताकि ये देखें, ये 20 इंच ये कपड़ा फोल्ड मैंने किया है, ये फ्रिल बनानी है, ये 6 इंच है, और ये हमने ये फोल्ड करके, जब फोल्ड करेंगे तो फिर 2.5 इंच रह जाएगा। फिर ये हमने बाजू कहाँ गए, अभी मैं बाजू के आगे लगाती हूँ। ये बाजू है, और ये हमने ये लगाना है ऐसे, ये देख ले ऐसे ऐसे लगेगा।
ये फ्री लगेगी ऐसे करके। अब मैं प्यारे तरीके से लगा रही हूँ ये लग गए, ये बाजू हो गए। अब ये देखिए आप इंच टेप को पौने दो इंच चौड़ाई है, ये क्या आपने पौने दो इंच चौड़ाई रखनी है। और मैं ये कट्ठा एक इंच डीप करूंगी, एक इंच फिर फ्रंट बाद में कट करूंगी। ये हमने कट कर लिया, अब मैं फ्रंट आपको दिखा रही हूँ। ये आ गया और ये मैं ढाई इंच तक, ये ढाई इंच का है गला। ये ढाई इंच लंबाई है बैग का, हम जो है ना ये ढाई इंच है, इतना बहुत है। बैग में तीन इंच का हम कट लगाएंगे। बैग को मैंने ये देखें, ये तीन इंच ये तीन इंच तक कट लगा लिए, ये बैक है सही। अब ये हमने आपको पूरा फ्रॉक कटिंग करके दिखा दिया है। ये जब सिल जाएगा तो फिर ये बिल्कुल सादा सिंपल है, इसलिए कि कटिंग हमने दिखाई है, हमने सिला हुआ नहीं दिखाएंगे। अब आप इतने कपड़े सी रहे हैं तो ज़ाहिर है आपको कुछ तो आ ही गया होगा। अब ये पूरा फ्रॉक हम ऐसे करेंगे और ये बाजू है, ये देखिए बाजू के ऊपर थोड़ी कुंद डलेगी ऐसे। और ये है, ये घेर है उसका, ये आ गया ये, और ये फ्रिल आ गई इसकी बाजू की। ये इधर लगा ली सीने के बाद, और इधर आपने ऐसे दो लगानी है सही है। ये दो लगाना है, एक इस तरफ एक उस तरफ, फिर गले की पट्टी लगानी है, बस सही है। सिखा दिए, अब मेरे आप चैनल को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब भी करें प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ। ये मैंने बिल्कुल सिंपल फ्रॉक कट किया है ताकि आप ये आराम से सी सकें। ओके, ये एक साल और एक मंथ के बेबी का ये नाप है, बिल्कुल परफेक्ट। ओके, ओह अल्लाह हाफिज़।